तो ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है। हमारा यही मांग है कि हमारा जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही फिर अनुमति दे दिया जाए कि फिर से हम लोग कैसे अपना कैसा भी करके बना ले। यहाँ के जो आग पीड़ित है इनको भरपूर मुआवजा दिया जाए, कलेक्टर के माध्यम से जो मिलता हो दिया जाए, और इनके दोबारा स्ट्रक्चर खड़े करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना है। सोशल एक्टिविस्ट जो भी हैं इस धारावी के या बाहर के, कहीं आपके माध्यम से बोलूंगा कि अगर वो भी कुछ मदद करना चाहें तो वो आके अपनी आर्थिक मदद करें, जैसे स्ट्रक्चर बनाने में लोहे की कहीं से मदद मिले। बस ये है हमारे प्रशासन से हमको सहायता मिले और जो परेशानी ना हो, मतलब वो लोग आके परेशान ना करें। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता। धारावी कमलानगर की इनसाइड स्टोरी का असर आग लगने के बाद जनता की तकलीफों को हमने दिखाया। जो जल चुका है वो तो ठीक है, जो बचा हुआ सामान है उसे अधिकारी निकालने नहीं दे रहे हैं। इस खबर को हमने चलाया, उसके बाद प्रशासन ने डेमोलेशन के कार्य को रोक दिया है। इससे जनता को राहत मिली है, अब वो अपना बचा हुआ सभी वस्तु निकाल सकते हैं। आज हमने दोबारा इनसाइड स्टोरी के दौरान जाना कि आने वाली तकलीफों से वो कैसे लड़ेंगे। तो स्थानीय जनता का कहना है कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसको सरकार की तरफ से और कलेक्टर की तरफ से मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। और कमलानगर की जनता का ये भी कहना था कि हम दोबारा अपना घर या कारखाना बनाते हैं तो प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई तकलीफ ना दी जाए। देखिए इनसाइड स्टोरी की ये रिपोर्ट। समय हम धारावी के कमलानगर इलाके में हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे जेसीबी खड़ी है और बड़ी संख्या में, जिस तरीके से चार रोज से हम लोग इस खबर को जो है अपने प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से, इनसाइड स्टोरी के माध्यम से आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के रहने वाले लोगों का, जो दुकानदार हो, जो कारखाने वाले हो या घर, जिनका घर जला है, इनका बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची है कि दोबारा वो अपना जो है बिजनेस खड़ा कर सके। और जिस तरीके से हमने बताया आपको कि प्रेस एक्सप्रेस में इससे पहले वाले भाग में हमने ये बताया कि महानगर पालिका के कर्मचारी हो या फायर के कर्मचारी हो, ये जो है जबरन जो है इनका पूरा जो सामान जो है बचा कुचा है उसे भी लेने नहीं दिया जा रहा है और जबरन जो है डेमोलेशन किया जा रहा है। तो खबर का असर ये हुआ कि वो डेमोलेशन जो है अब रोक दिया गया है और जो बचा कुचा सामान है उसे निकालने की मोहलत दे दी गई है जनता को। मगर अभी आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती ये है कि जब ये लोग वापस दोबारा जो है अपने घर को या अपने कारखानों को खड़ा करेंगे तो उस समय आने वाली दिक्कतें, जिस तरीके से महानगर पालिका का परमिशन लिया जाए या पुलिस परमिशन लिया जाए, वो जो दिक्कतें आने वाली है उसको लेकर के ये लोग चिंतित हैं कि आने वाले समय में क्या फ्री हैंड होकर हमें अपना काम करने दिया जाएगा। मेरे पीछे कुछ पीड़ित हैं जो कि जिनका के बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। सर आपका नाम बताइए। तस्लीम अंसारी। तस्लीम जी, आपका भी यहाँ पे कारखाना था, कितना नुकसान हुआ है तस्लीम जी? बहुत नुकसान हुआ, वो लफ्जों में क्या बोलूं, बहुत, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं बचा। चट्टी बनी है। हाँ, सारा कुछ खत्म हो गया। तस्लीम जी, अगर मैं बात करूं दोबारा जिस तरीके से कारखाना आप बनाना चाहोगे तो क्या आपकी क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं, सोशल पॉलिटिशियंस हो या महानगर पालिका के अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो? हमारा यही मांग है कि हमारा जैसा स्ट्रक्चर था वैसे ही फिर अनुमति दे दिया जाए कि फिर से हम लोग कैसे अपना कैसा भी करके बना लें। और हमारा कोई मांग नहीं है सरकार से, अगर कुछ हेल्प हो सके तो,
उनकी मर्जी है, बाकी हमको खाली सिर्फ पुलिस वाला या बीएमसी फायर इन लोग से कोई हमको दबाव ना पड़े, हमारा जैसा स्ट्रक्चर था वैसा हम लोग थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बना लेवे। जी सर, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि किस चीज़ का कारखाना था, क्या बनता था आपके यहाँ पे? गारमेंट का था, गारमेंट का था जी, गारमेंट का बेबी 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 फ्रॉक बनता था, कपड़े का स्टॉक था, माल स्टॉक था, ये मशीनें थी, यही सब का लॉस हुआ है। सर तस्लीम जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाला सीज़न था, त्यौहारों का सीज़न है, रमज़ान स्टार्ट होने वाला, ईद आने वाली है, उसको लेकर के क्या बड़ी संख्या में आपने स्टॉक किया था? हाँ, स्टॉक तो किया था, तैयारी चालू था स्टॉक की जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अभी शादी का भी सीज़न चालू हो रहा था, रमज़ान चालू होने वाला था वो दिया, और उसके बाद दिवाली और लेकिन अभी फिल वक्त शादी का सीज़न, गर्मी का छुट्टी और रमज़ान का, ये सब का भरपूर तैयारी था उसके वजह, और उस टाइम पे ये सब हो जाना काफ़ी सीज़न के टाइम में काफ़ी मतलब हम लोग मतलब नुकसान हुआ, कैसा मतलब कैसा कुछ बचा ही नहीं कि कैसा फिर खड़ा किया जाए, हम लोग काफ़ी पीछे चले गए जी। तस्लीम जी, अगर मैं बात करूं कि सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिलने की उम्मीद है आपको? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है जी, बिल्कुल। मेरे साथ में एक शख्स और हैं, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम फारूक है जी। फारूक जी, आप देख रहे हो यहाँ किस तरीके का माहौल है, हालात किस तरीके के बने हुए हैं, तो क्या लगता है आपको फारूक जी कि सरकार इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करे और जो पीड़ित हैं उनको मदद मुहैया करवाए? हम तो यही महाराष्ट्र के सीएम से दरख्वास्त करें, यहाँ के जो आग पीड़ित हैं इनको भरपूर मुआवजा दिया जाए, कलेक्टर के माध्यम से जो मिलता हो दिया जाए, और इनके दोबारा स्ट्रक्चर खड़े करने में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, फायर ब्रिगेड बीएमसी किसी तरह परेशान ना करे, और इनको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका दे और आर्थिक सहायता से मदद करे, हमारी प्रशासन से यही मांग है, किसी को सताया ना जाए। सर, जो स्थानीय नगर सेविका तो समझ लीजिए उनका टर्म खत्म हो चुका है, विधायक हैं, तो आप कुछ मांग करना चाहो कि विधायक द्वारा भी मदद मुहैया की जाए? हम तो विधायक से भी यही मांग किए हैं कि हमारे स्ट्रक्चर हमको बनाने दिया जाए जी, जो पुरानी पोजीशन में थे वही पोजीशन में रखा जाए, और अभी तक विधायिका की तरफ से मदद मिल ही रही है, खाना आ रहा है, और भी जो रुकावटें आ रही है वही दूर कर रहे हैं जी, जैसे लाइट का मसला था उन्होंने सॉल्व कराया जी, और बीएमसी अधिकारी जो तकलीफ कर रहे थे, सारे स्ट्रक्चर गिरा रहे थे, उन्हीं के कहने पे रुके गए हैं जी, अभी वो फायर ब्रिगेड का काम और बीएमसी का काम आज 12 बजे खत्म हुआ है जी, तो हम लोगों को सामान निकालने का मौका मिला। बिल्कुल। मेरे साथ में एक पीड़ित और हैं जो कि पूरी तरीके से उनका जो कारखाना है वो ध्वस्त हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, जमी दोस्त हो चुका है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम शकील अहमद उस्मानी जी। शकील जी, ये बताइए किस चीज़ का कारखाना था और कितने लोग वहाँ आपके यहाँ काम करते थे? अरे इसमें 35-40 आदमी काम करते थे जी। और किस चीज़ का कारखाना था? एम्ब्रॉयडरी का काम। एम्ब्रॉयडरी का कारखाना था। शकील जी, ये बताइए जिस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की मशीनें ली जाए, काफ़ी महंगी मशीनें होती है, क्या पूरा सामान जल कर खाक हो गया, कोई चीज़ बची है? नहीं बची, सब जीरो, जमीन लेवल सब बराबर हो गया, पूरा जल कर खाक, कुछ खाक एकदम जी। शकील जी, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या आपकी उम्मीदें हैं कि दोबारा आपको खड़े रहने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने की इजाज़त दी जाए और किसी किस्म की जो है तकलीफ हो, महानगर पालिका हो या पुलिस प्रशासन हो या फायर डिपार्टमेंट हो, उनसे ना हो? ये हम तो ये कोशिश करेंगे, और लोग भी अभी आए थे मिलने के लिए, और जिससे भी ज़रूरत पड़ेगी उनसे हम यही दरख्वास्त करेंगे जी कि तमाम प्रशासनिक जितनी संस्थाएँ हैं प्रशासन की, सब लोग हमारी मदद करें, और किसी तरह का ये कोशिश करेंगे गोडाउन बनाने में तो उसमें दिक्कत ना आने पावे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या फायर ब्रिगेड हो। मेरे साथ में इस समय यहाँ के जो स्थानीय सोशल वर्कर हैं, जो समाज सेवी हैं, फकरुल इस्लाम जी इस समय हमारे साथ में हैं, जो कि डॉक्टर भी हैं पेशे से, और जिस तरीके से पहले ही दिन से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ही दिन से उनका हमारे चैनल को हमें पूरा सहयोग रहा न्यूज़ कवर करने में, और जिस तरीके से मैं बात करूँ, पहले ही दिन से यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद करना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, उन्होंने की है। फकरुल इस्लाम जी इस समय हमारे साथ में, हम उनसे जानेंगे। फकरुल इस्लाम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले ही दिन से आप यहाँ का हालात यहाँ के देख रहे हो,
आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके की मदद इनको मिलनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जो लोग जिनकी पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है जी, ये आग की वजह से, इन लोगों की सबसे पहले मदद की जाए जी, क्योंकि इनको मदद बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि एक आशियाना बनाने में एक आदमी अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, और यहाँ तो मेहनत जहाँ से कमाने के रोज़ी रोज़गार था वही चला गया है इनका, देखा जाएगा तो अब इनको सरकार मदद करना चाहिए। बीएमसी के अधिकारी इन्हें कहीं पे तंग ना करे कोई भी कारण, और इनका जैसे था इनको आने के लिए हम सोशल एक्टिविटीज जो भी हैं इस धारावी के या बाहर के कहीं आपके माध्यम से बोलूँगा कि अगर वो भी कुछ मदद करना चाहें तो वो आके अपनी आर्थिक मदद करें, जैसे स्ट्रक्चर बनाने में लोहे की कहीं से मदद मिल जाए जी, इस तरह से मदद मिलना ज़रूरी है जी। अगर इस तरह से मदद होगा तो एक दूसरे का हम हाथ पकड़ के उससे उठा सकते हैं। अगर अगर हम इस ऐसे टाइम पे अगर हम हाथ छोड़ देंगे हमारे साथी का या हमारे भाई का, तो हमारा भाई मर जाएगा। एक तो ऐसी हालत ने मार दिया है, अभी कुछ बचा नहीं उनके पास, कहाँ से करे खाने तक के लिए लोग परेशान हुए, लोगों ने कहाँ कहाँ से खाना लाके पहुँचाया है। ये पूरे धारावी के लोगों के लिए सल्यूट है, पूरे धारावी के लोगों को, यहाँ के आजू बाजू के बिल्डिंग्स वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको सल्यूट है, क्योंकि इन्होंने किसी ने कुछ देखा नहीं, फौरन आए और तुरंत मदद पहुँचाई गई है। हाँ, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो MLA हो, चाहे MP हो, ये हर जगह से मदद आ रही है जी। ये मैं किसी को वो नहीं बोलूँगा कि मैं पॉलिटिकल में नहीं हूँ, मैं बोलूँगा सभी लोग मदद कर रहे हैं, और यही इन्हीं सभी पॉलिटिकल नेताओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप लोग इनकी ये भी मदद करें कि इनको स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत ना आए कहीं से भी जी, और इनका जैसे पहला स्ट्रक्चर था उसी तरह से इनको बनाने दिया जाए, ना पुलिस प्रशासन से कोई दिक्कत आवे, ना ही BMC से। बाकी वैसे इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये लोग फिर से इससे बेहतर खड़े हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। ये थे फखरुल इस्लाम जी, मेरे साथ में कुछ और लोग हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शोएब अहमद चौधरी जी। शोएब जी, क्या आपका भी नुकसान हुआ है इस आग में? बहुत पूरा नुकसान हो गया, मतलब पूरा स्ट्रक्चर, माल वगैरह सब चला गया, जल गया। सर, मैं ये जानना चाहूँ जिस तरीके से, क्या चीज़ आप, किस चीज़ का कारोबार था आपका? मेरा कारोबार कॉटन का था जी। हाँ, जो मैट्रेस वगैरह में यूज़ होता है जी, वो था, और रेडीमेड गारमेंट्स का था जी। हाँ, और कुछ एक चीज़ें बची हैं आपके पास? नहीं बचा है कुछ, पूरे नहीं, टोटल स्ट्रक्चर से लेके माल से सब चला गया, ज़मीन दोस्त जी, यहाँ तक के फ्लोरिंग भी नहीं बची है बिल्कुल। हाँ, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया। सर, दोबारा उठ खड़े होने के लिए क्या उम्मीदें हैं आपको? अब उम्मीद है तो बस यही है भाई, जैसा तैसा खड़े हो जाए भाई, ऊपर वाला चाहेगा इंशाल्लाह हो जाएंगे जी। बस ये है हमारी कि भाई प्रशासन से हमको सहायता मिले और जो परेशानी ना हो, मतलब वो लोग आके परेशान ना करे जी। जो जितने भी संस्था है प्रशासन की, वो हमको परेशान ना करे, हमारे को खड़े होने में मदद करे, अगर मदद नहीं कर सकते एटलीस्ट परेशान ना करे, बस यही है। प्रशासन जो है, हम एटलीस्ट मतलब मदद नहीं कर सकते तो कम से कम परेशान ना करे बिल्कुल। और सर, किसी किस्म का ऑडिट हुआ है, सर्वे हुआ है महानगर पालिका हो या कलेक्टरेट से? हाँ, कलेक्टर की तरफ से सर्वे हुआ है। मंडे को आएंगे? हाँ, जी जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? हम मंडे को आएंगे, वो लोग बोले हैं कि 2-3 दिन का वक्त दे दो जी, और पेपर जो भड़ौत हैं सब लोगों का पेपर इकट्ठा करके और सेट करके रख दो, मंडे को नंबर दे के गए हैं कलेक्टर साहब, और वो आएंगी मंडे को और एक एक जिसका जिसका है वो सर्वे करके लेके जाएंगी। तो आपको सर लगता है, आपको उम्मीद है कि कलेक्टर से कुछ सहायता मिलेगी? उम्मीद तो है ही है ना, उम्मीद तो है ही है जी, उम्मीद है, हो जाए तो ठीक है। जैसे कि आपने सुना, ये थे स्थानीय निवासी, जैसे कि मैंने कहा कि किसी का कारखाना जल गया तो किसी का अपना घर आशियाना जल गया। आज जो है जिनका घर जला है वो रास्ते पर रहने के लिए मजबूर हैं अपने परिवार समेत। कुछ तो ऐसे लोगों को हमने देखा जिनके पास पहनने के लिए तक कपड़े नहीं है, एक कपड़े जो जिसमें जिस कपड़े में वो अपने घर में थे उसी कपड़े में वो बाहर निकले हैं, और घर का जो है पूरा सामान जो है तहस नहस हो चुका है, जलकर खाक हो चुका है। और जिस तरीके से मासूम बच्चों को, बूढ़ी महिलाओं को लेकर के रास्ते पर रहने के लिए वो मजबूर है, तो हम भी चाहेंगे प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से, इनसाइड स्टोरी के माध्यम से, कि सरकार जो है एक हाथ बढ़ाए इनकी तरफ, और जिस तरीके से ये करा रहे हैं, तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, जिस तरीके से इनका आशियाना, इनका कारखाना, इनकी जो कमाई का ज़रिया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, ज़मींदोज़ हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरणें इनकी आँखों में आज भी चमक रही है, और प्रशासन की तरफ
तरफ टकटकी की नज़र लगाए देख रही है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद आए। जिस तरीके से कहा इन्होंने कि इनका स्ट्रक्चर जिस तरीके से दोबारा से इन्हें खड़ा करने की पूरी इजाज़त दी जाए, जिसमें कि महानगर पालिका हो या फायर डिपार्टमेंट हो या पुलिस विभाग हो, कहीं से भी कोई भी अड़चने इन्हें ना आए और इनको जो है इनका काम करने दिया जाए। जिस तरीके से प्रेस एक्सप्रेस में इससे पहले हमने खबर चलाई थी कि ये लोग जो है जबरन तोड़ रहे हैं, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी है हमारी खबर दिखाने के बाद में। और आज जो है ये खुद अपने हाथ से अपने बचे कुछ सामान निकाल रहे हैं, जिससे कि इनकी थोड़ी उम्मीदें जाती हैं। मगर आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका के पूरी तरीके से पूरा कारोबार जो है ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से एक शख्स ने कहा कि मेरा कॉटन का कारोबार था, वो पूरी तरीके से उनकी चीने हो या उनके जो सामान थे वो सब कुछ जलकर खाक हो चुके हैं। और कोई भाई का एम्ब्रॉयडरी का कारखाना था, उनकी मशीनें लाखों रुपए की मशीनें जो है जलकर खाक हो चुकी है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन इनकी मदद करे, आगे बढ़े और वो नेतागण जो कि इस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, चाहे वो MP हो MLA हो, वो भी आगे आए इनकी मदद के लिए। और कोई संस्था अगर हमारी इस खबर को देख रही है और वो चाहती है कि इनकी मदद की जाए किसी भी तरीके से, तो वो भी आगे आए और इस इलाके में आए। मैं आपको बता दूं ये धारावी कमला नगर का इलाका है, यहाँ पे आप आकर जो है इनसे सीधे सीधे मुलाकात कर सकते हो और जो भी आपसे हो सके इनकी आप मदद करें। कैमरामैन सटवीलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में स्थानीय साहू नगर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कामले की भूमिका थी, प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने भी जनता की भरपूर मदद की। हम इनसाइड स्टोरी के माध्यम से सभी स्थानीय विधायिका वर्षा गायकवाड़, MP राहुल शिवाले से और कलेक्टर से अनुरोध करना चाहेंगे कि इन पीड़ितों की मदद करें ताकि दोबारा ये अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सकें। और अगर कोई संस्था या कोई समाज सेवी इनकी मदद करना चाहता है तो सीधी धारावी के कमला नगर जाकर इनसे मिलकर मदद कर सकता है। इनसाइड स्टोरी में अब हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपके आसपास कोई दुखद घटना घटी है या आप कोई खबर हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके संपर्क करें।